गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज हमारे साथ 66वीं बीपीएससी में बीपीआरओ के पद पे चयनित तरुण कुमार पांडे जुड़ रहे हैं। तरुण कुमार पांडे जी, आपका स्वागत है एजुकेशन निकेतन के इस प्लेटफॉर्म पर। ये बेसिकली बिहार के ही रहने वाले हैं और इनका जो नेटिव जिला है वो छपरा है। तो कुछ दर्शकों को अपने बारे में बताइए, जर्नी के बारे में बताइए। सबसे पहले सर आपका धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया है अपने जर्नी को आपके थ्रू ताकि लोगों में शेयर करूं। सर मेरा नाम तरुण कुमार पांडे है और मैं छपरा जिला के एडिबिलगंज गांव के गोदना गांव से बिलोंग करता हूं और मैं 66 बीपीएससी में इस बार मेरा रैंक 87 रहा है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सोशोलॉजी अपना। तो सर अब कैसा है कि सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे जनरेट होगा कि वाई बीपीएससी, हाउ, कैसे, इसके पीछे कुछ मोटिवेशन रहा है। बेसिकली मेरा मोटिवेशन था सीडीएस की तरफ, होली ग्रीन ड्रेस की तरफ, और इसीलिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी बिहार पुलिस में यूनिफॉर्म सर्विस था, DYESP, बट इस बार नहीं मिला, लेकिन प्रयास जारी रहेगा आगे। तो इसमें सर जैसे कि मैंने ग्रेजुएशन किया है गणित में, मैथमेटिक्स में जयप्रकाश विश्वविद्यालय से, 2020 में मैं पास आउट हो गया। तो एक तरह से हम लोग बिहार के युवाओं में चाह रहती है सरकारी जॉब की, कोई भी ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, मतलब कहीं भी एक जॉब लग गवर्नमेंट जाए। जॉब होनी चाहिए। हाँ, तो मेरे अंदर भी वही जज्बा थी कि एक सरकारी जॉब मुझे भी चाहिए। हालांकि मेरा थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था कि मेरा सीडीएस की तरफ हो जाए, एक तरह से आर्मी की तरफ हो, उनका जो भी यूनिफॉर्म रहता है, उनका जो भी डिसिप्लिन रहता है, उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस था। तो आफ्टर ग्रेजुएशन में मैंने 2020 में जैसे कि सोच रहा था कि मैं बाहर जाऊं, भैया से मैंने बात भी किया था तो भैया बोले कि अच्छा ठीक है, तब तक लॉकडाउन लग गई, बाहर जाने की सारी पॉसिबिलिटी रास्ताएं बंद हो गई, कब ओपन होंगी कुछ मालूम नहीं था। तो भैया भी घर आ चुके थे, तो बोले कि ठीक है यहीं से करो, घर से ही आराम से। हम भी बोले कि सारा बेसिक बुक जो भी था हम भी ले लिए, खरीद के नेट वगैरह से देखें क्या क्या टॉपर जो भी बेसिक बुक लिस्ट बताते हैं, सब बाई एंड लार्ज एक ही चीज बताते हैं, हम भी गए खरीद के सारा बुक उठा के लेके आ गए। अब उठा के तो ला दिए पर पढ़े तो पढ़े क्या, इंटरेस्ट तो जग ही नहीं रहा था। सबसे मुश्किल बात होती है हिस्ट्री पढ़ने में, अब अचानक से साइंस वाला बैकग्राउंड वाला लड़का कोई अचानक से ह्यूमैनिटीज उठा ले तो उसमें पढ़ने में दिक्कत होती है। तो उसमें सर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रही है रहा भैया का, और जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ इंटरेस्टिंग बना देते थे किसी भी चीज़ को, फैक्ट से जोड़ के, कुछ निमोनिक्स से जोड़ के, जिसमें फैक्ट्स याद होने लगे, पर्सनालिटी को बोलते थे कि कंपेयर करो, जैसे कि एंशिएंट इंडिया में अशोक हो गया, फिर बीच में सर जैसे कि अकबर हो गया मेडिवल में, डिस्पाइट अकबर जैसे कि सर इलिटरेट था, तो इसको देखो आखिर कैसे बिना एजुकेशन के एक अच्छा शासक, क्या उसके अंदर खूबियां हैं। एक जैसे है ना सर कि एजुकेशन लोगों का एक अवधारणा बदल देता है, पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, बट अकबर तो नहीं था एजुकेटेड। भैया एक क्वेश्चन हमसे पूछे कि अकबर इलिटरेट होने के बाद भी इतना अच्छा शासक क्यों था, आंसर बताओ। तो उसके लिए मेरे मन में भी इंटरेस्ट जगा, ढूंढने के लिए वहाँ काफी कुछ पढ़ना पड़ा, तो इंटरेस्ट धीरे धीरे जगने लगा। फिर बाद में फ्रीडम स्ट्रगल आया तो सब देखें कि हम जिस आज़ादी आज़ाद धरती पर सांस ले रहे हैं इसके पीछे काफी ज्यादा स्ट्रगल्स हैं और काफी ज्यादा लोगों की सेक्रीफाइसेस हैं, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जगने लगा। तो फिर मैंने अपना सीरियस जो भी था प्रिपरेशन करके पॉलिटी वगैरह जब भी लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम वगैरह सब दिया, अक्टूबर में नवंबर में एग्जाम था तो उसमें मेरा उतना अच्छा नहीं गया, इंग्लिश मेरा उतना सही था नहीं, ग्रामर पोर्शन स्पेशली। तो फिर भी मेरा IMA के लिए कॉल आया था तो उसके प्रिपरेशन में मैं लग गया था SSB। उसी टाइम पे मैं फॉर्म डाला था अक्टूबर 2020 में, 66 BPSC आया था नोटिफिकेशन इसका, तो फिर इसका भी फॉर्म मैंने डाल दिया था कि चलो इसमें भी डाल के देखते हैं क्या होता है, PT देंगे, क्वेश्चन वगैरह तो दिख ही दिए थे, 65 का तो बन रहा था अच्छा खासा, 85-90 के आसपास कट ऑफ भी देख रहे थे, 95 जा रहा है, तो एक तरह से मोटिवेशन होता है ना कट ऑफ के, अगर हम 10-15 मार्क्स भी इधर उधर हैं तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो गए एग्जाम दिए तो अच्छा खासा स्कोर हो गया, PT में 112 नंबर हो गया ऑफिशियल आंसर की से। फिर भी मतलब बीपीएससी की तरफ एक तरह से मेरा मतलब रुझान नहीं था, एक तरफ से सर पे भूत सवार था CDS ओलिव ग्रीन एकदम IA में, मतलब POP का जो भी होता है उसका एक तरह से ड्रीम था। बट फिर मैं फरवरी में दिया और उसका भी क्लियर हुआ, उसमें और अच्छा से क्लियर हुआ, तीनों सर्विस के लिए मेरा कॉल आया था उसमें। तो उसके बाद से मैंने मार्क्स से स्टार्ट किया इधर बीपीएससी की तरफ, जब रिजल्ट आ गया PT का तो
उसके पहले मैं दिखता रहता था, तो जैसे कि करंट से अवेयर रहने के लिए। तो फिर मैं उसके पहले मैंने क्या किया था कि बीपीएससी के जब से फॉर्म डाला था तो मैं क्या कर रहा था, ऑप्शनल नहीं पढ़ रहा था। मैंने GS1 और GS2 को कंपेयर कर रहा था, मतलब उनको कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा था, क्योंकि वो मेरे दोनों में ऑल एग्जाम्स में बेनिफिशियल, स्टेट QCS का एग्जाम हो चाहे कहीं का भी एग्जाम हो या फिर अदर भी जो भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, जो GK कॉमन ही रहता है। तो मैं उसमें क्या करता था, एक थॉट जनरेट करता था, करंट एनालिसिस का वीडियो देख के, हिंदू का वीडियो देख के। जैसे मेरे गाँव में पेपर सर अवेलेबल नहीं रहता है, और आता भी है तो एक दिन 2 दिन लेट आता है, तो उसमें डिले मैं क्या करता है करता था, यूट्यूब से, हाँ यूट्यूब से मैं देख लेता था। बहुत सारे अब तो चैनल्स हैं, और सबसे पहले सर डिजिटल रिवोल्यूशन हो गया है ना, अब डाटा बहुत ज्यादा अब मतलब सस्ता हो गया है, पहले काफी ज्यादा कॉस्टली पेट्रोल होता हो था जब गया हम बात, बेटा। हाँ अब मतलब कि अब अवेलेबल हो गया है, क्योंकि हम कहीं रहे हैं तो हम क्या होता है कि ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ना, उसको हम अवेयर रह सकते हैं। और बेसिकली एक प्रिपरेशन में यही चीज खोजता है कि आप कितने ज्यादा अपने आस पड़ोस से कितने ज्यादा अवेयर हैं, और कैसे क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं। जब आप इसी इंटरलिंक होंगे तो आपकी प्रिपरेशन एक अलग से मतलब कि एक ए जाने लगेगा। तो मैंने जीएस को प्रीलिम्स की जैसे परीक्षा कि आपने पास कर ली अच्छे अंकों से। इसके जी बाद सर परीक्षा के लिए आपको समय बहुत कम मिला, तो जी उसमें आप उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कि आप ही की तरह सुदूर गांव देहात से तैयारी कर रहे हैं? तो आंसर मैं यही राइटिंग के लिए कहूंगा आपने क्या किया, और बिहार स्पेशल जो मटेरियल्स होते हैं खासकर इंग्लिश मीडियम में कम अवेलेबल है मार्केट में, या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी, हिंदी में तो बिहार स्पेशल के कंटेंट हैं, तो उसके लिए बताइए जी कि जो इंग्लिश मीडियम से जो छात्र तैयारी करना चाह रहे हैं वो उस स्पेशल बिहार स्पेशल के लिए क्या करें, और आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया? सर, जैसे कि जीएस पेपर, दो पेपर होता है, GS1 GS2। अगर हम सिलेबस को बाइफर्केट करें, GS1 में सबसे पहले आता है हिस्ट्री पोर्शन, जो कि आपका स्पेक्ट्रम से, और यहाँ थोड़ा सा बिहार स्पेशल एज देने के लिए थोड़ा सा हमें चैलेंजेस फेस करने को मिला था। तो मैंने क्या किया था कि इम्तियाज अहमद सर की एक बुक आती है, हिंदी में आती है, लेकिन वो मेंस पर्सपेक्टिव से काफी अच्छी बुक है, तो मैं उसको हिंदी में ही पढ़ लेता था, और क्या करता था उसको कॉपी करके गूगल पे डाल देता था, गूगल ट्रांसलेट पे। तो ये तो हम कर सकते हैं, गूगल का टेक्नोलॉजी का मैंने यूज किया, गूगल ट्रांसलेट कर देता था। तो एक तरह से कि मुझे काफी ज्यादा मतलब कि उसमें सहूलियत मिलती, कॉपी कर लेते थे और कॉपी करके पेस्ट करके गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कर लेते थे। और वो बुक ना कि सिर्फ मेंस में, इवन दो PT में भी काफी ज्यादा क्वेश्चन उससे मतलब हिट होते हैं। तो वो हिस्ट्री का पोर्शन हो गया था। अब रहा करंट का बात, तो करंट में बीपीएससी का जो भी क्वेश्चन आता है ब्रॉड लेवल का आता है, तीन चार चीज को इंटरलिंक करके पूछते हैं। तो इसमें हम अगर अवेयर रहेंगे करंट इन्फो के, जैसे दृष्टि के चैनल में आता है सर एक इन न्यूज करके, तो एनालिसिस चाहिए, इनडेप्थ मैं, एनालिसिस। हाँ, 15-17 मिनट का एक वीडियोज होता है, मैम लोग लेके आते हैं, तो मैं उसको देखा करता था पहले ही से। हाँ वो एक्चुअली एक कॉल आ गया था कनेक्टिविटी एक की आदमी का। प्रॉब्लम था। ठीक जी है, हाँ आप अपनी बात जारी रखें। फोनवा काटो ना, ये हम अपने से। और आप अपनी बात को कैरी फॉरवर्ड करें। आप जी सर, तो वही थर्ड में गेम चेंजर हुआ स्टैट, बीइंग ए मैथमेटिक्स स्टूडेंट जो हम रहे हैं, तो जब मैंने शुरू में मैथ स्टैट को सॉल्व करना शुरू किया DI को, तो मेरे भी गलती होते थे अच्छा खासा, 72 में कभी 40-45 ही आते। तो मैं उस पर 10 दिन 15 दिन फोकस किया अच्छे से PYQ लगाकर, तो वो मेरा पोर्शन ठीक हो गया। अब रहा क्वालिटी GS2 का बात, तो उसको 3 सिलेबस होते हैं, क्वालिटी सेक्शन से हो जाता है लक्ष्मीकांत से, और उसमें थोड़ा सा जो भी केसेस हैं रिसेंट में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको इंटरलिंक कर देंगे, तो हमारा और अच्छा बन जाता है। सेलेक्टेड टॉपिक्स को जो भी क्या है फोकस में BPSC के PYQ के थ्रू, और जो भी रहा है जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, यहाँ थोड़ा सा हमको नेट का हेल्प लेना पड़ेगा। जो भी इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, तो उसका बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि जिस्ट प्रोवाइड करते हैं, और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का भी जिस्ट होता है बजट का। और साथ में क्या हुआ कि क्या जो भी बिहार का इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो उसके लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा क्या ही प्लान चला रहे हैं जा रहे हैं,
तो इसके लिए हम अगर क्या करते हैं, बिहार गवर्नमेंट की साइट पे, गवर्नमेंट साइट पे चले जाते हैं, तो वहाँ अच्छे खासे से डिटेल में एकदम डिस्कस किया हुआ है गवर्नमेंट का क्या भी एम है, विजन है। तो वहाँ से मैंने उसको किया। और साइंस एंड टेक में रही बात, तो साइंस एंड टेक में मैंने सारा PYQ लगा लिया था और उसका एक फ्लो चार्ट बना के, जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ हो गया, स्पेशली जो भी BPSC का साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होता है वो एप्लीकेशन पोर्शन से होता है। तो उसमें जैसे ड्राफ्ट हो गया, बाढ़ हो गया, फ्लड हो गया, तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैनेजमेंट कैसे होगा, मतलब आप स्पेस टेक्नोलॉजी PYQ हो। लगाते हैं तो एक BPSC के साइंस टेक वाले पोर्शन में आपको आपको एक आइडिया ब्रॉड मिल जाएगा कि किस सेक्शन से जी BPSC जी अप्लाइड क्वेश्चन पूछता है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी जी हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, तो इन सब सेक्टर से BPSC जी लगातार प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न पूछता है, इसरो हो गया, DRDO हो गया, तो उसका एक पेड पैटर्न आपको प्रीवियस ईयर लगाने से एक आइडिया मिल बिल्कुल। जाता है। हाँ, अभी जैसे कंटेम्पररी इशू चल रहा है कि ग्रीन एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन फ्यूल हो गया, या फिर जो भी क्लाइमेट चेंज से हो रहा है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा, जो कि हम क्लाइमेट चेंज का जो भी इशूज है उसको टैकल डाउन करें, तो उसमें सर बेनिफिशियल हो जाता है। और इसके लिए अगर चाहें तो मैं कभी कभार डाउन टू अर्थ मैगजीन आता है जो, उससे कुछ कुछ रेफरेंस लेता था। और इसके बाद से सर ये तो हो गया मेरा GS1 GS2 का। और इसके बाद सबसे मेन एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको मेंस क्रैक करना है, आंसर राइटिंग इज नेसेसरी। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी रिलेक्टेंसी शो करते हैं, थोड़ा सा भी डिलाई देते हैं, तो श्योर हम लिस्ट से बाहर रहेंगे। जैसे कि मैंने आपसे प्रीलिम्स के बाद जैसे टच में मैं आया था, तो वहां से मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू हुआ। और आपका ऑन कॉपी रिव्यू जो भी था कि किस लाइंस में कहाँ पे मैंने डेटा को कैसे मेरा प्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो, और इसी के साथ साथ तो और भी जैसे कि काफी ज्यादा मतलब कि मेंस प्री एग्जाम हो जाते हैं, तो आप लोग के द्वारा फ्री दिया जाता है, फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। तो मैंने तो जो मैंने लेट किया, मैं वही बोलूंगा बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जो कि सीरियसली करना चाहते हैं प्रिपरेशन, वो शुरू से हॉलिस्टिक कॉम्प्रिहेंशन प्रिपरेशन स्टार्ट करें विद मेंस के साथ, ताकि उनका रैंक जो हो और बूस्ट हो, अच्छा हो, और साथ साथ ऑप्शनल पे भी फोकस करें। ऑप्शनल इज मोर इम्पोर्टेंट, वही है क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला है, और वो बाय एंड लार्ज एक ही सिलेबस रहता है, तो उसको जितना ज्यादा हो सके हम अपने मास्टरी कर सकते हैं। यहाँ मेरा ऑप्शनल भी थोड़ा सा वीक पोर्शन रहा है, वही कहीं ना कहीं मेरा जो भी रैंक है उसको थोड़ा सा अप डाउन डाउन किया है। तो आंसर राइटिंग की बात करते हैं सर, जैसे कि सर ही चला रहे थे, तो सर से मैंने जब जुड़ा तो सर ऑन कॉपी रिव्यू देते थे, उससे मेरा अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ। और बाकी भी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल से वो भी मतलब कि आंसर राइटिंग कराते हैं, कुछ फ्री इनिशिएटिव था यूटोरिया के द्वारा, वो भी आंसर राइटिंग कराते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ऑन कॉपी रिव्यू जो मिलता है ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि और हम जो लिख रहे हैं वही चीज डायरेक्टर में लिख रहे हैं। दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि तरुण लगातार लिखते थे, ऐसा नहीं है कि एक दिन लिखा फिर एक सप्ताह के बाद फिर अगला आंसर लिख रहे हैं। और दूसरी बात कि आप जब आंसर राइटिंग करें तो ध्यान रखें कि उसकी कंटेंट के साथ उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो। अगर ये मेन प्रेजेंटेशन अच्छी, इंपोर्टेंट इशू है। हाँ मतलब फ्लो चार्ट का यूज करें, आप माइंड मैप बनाएं, मैप का समावेश करें, जैसे बिहार का मैप आप एकदम 1 से 2 मिनट में बनाने की प्रैक्टिस करके रखें, वो अच्छा हो, बहुत सुंदर लगे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता चल जाए कि बिहार का मैप है, आप चीजों को लोकेट कर सके, अगर मिनरल्स लोकेट करना है तो आप लोकेट कर सके, अगर आपको जूट इंडस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है तो आप दर्शा सके कि हाँ कटिहार पूर्णिया के एरिया है, बिहार के ये क्षेत्र जो है वो जूट के लिए उपयुक्त है। इसी तरीके से अगर फ्लड और ड्राउट से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप गंगा नदी के प्रभावित प्रवाह को दिखाकर दोनों तरफ दिखा सकते हैं कौन सा फ्लड अफेक्टेड एरिया है, ड्राउट ड्राउट अफेक्टेड एरिया है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव है। और एक चीज जो तरुण भी अपने आंसर में करते थे और बाकी छात्रों को भी मैं कहता हूँ कि अगर आप बिहार स्पेशल लिख रहे हैं तो ध्यान रखें कि बिहार से स्पेशल कोई भी डेटा, बिहार गवर्नमेंट की अगर कोई भी स्कीम तो उसका समावेश आप जरूर करें, आपको औरों की तुलना में 1-2 नंबर एडिशनल जरूर प्राप्त होंगे। अगर पंचायती राज से ही सवाल है तो बिहार सरकार की जो जी पंचायती राज को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम है उसका आप उल्लेख जरूर करें। और ये आपने आंसर में इन चीजों का समावेश करते थे और इनकी कॉपी भी मैं आपको कुछ देर के बाद इस वीडियो के बाद साझा कर दूंगा, 2-3 जो अच्छे इनके आंसर है, इसे आप देख सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि किन किन पोर्शन का आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इनकी सफलता इस मायने में भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोविड के काल में इनके जो कैट कम फिलोसफर लाइफ के थे उनको इन्होंने खो दिया और इनके लिए वो सबसे कठिन दौर था। इसके बाद भी उस दौर में इन्होंने अपने संयम को बनाए रखा और उस पूरे संयम के साथ
तैयारी भी की और उस दौर से निकलना अपने आप में इतना चुनौतीपूर्ण होता है, इनसे अच्छा और कौन समझ सकता है। इसके सर बाद भी बातचीत लगातार ही करते रहते थे हम लोग, कहते थे कि नहीं बाकी चीजें चलती रहती है, दुनिया रुकता नहीं है और आपको इसी दौर में सफलता भी प्राप्त करनी है। और इन्होंने इस बात को माना और लगातार तैयारी करते रहे, उत्तर लेखन किया इन्होंने लगातार, और इसका नतीजा आपके सामने है कि बिना किसी कोचिंग संस्थान की मदद लिए, मतलब इन द सेंस कि ऑफलाइन इन्होंने कोई क्लासेज नहीं की, कोई लाख या 2 लाख की फी कहीं पेमेंट नहीं किया, अपने गांव पे ही रह के पूरी तैयारी की। और इन्होंने प्रथम ही अटेम्प्ट में 87 रैंक लाकर बीपीआरओ के पद पर चयनित हुए। इनकी सफलता दर्शाती है कि आप अगर लगन से अगर किसी भी चीज को आप ठान लें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे मैंने इन्हें कहा भी है कि ये तो एक पड़ाव है, अभी संघ लोक सेवा आयोग आपके लिए बाकी है, आपका प्रथम अटेम्प्ट है। और बिहार में भी जो हमारा सबसे जो जी क्रीम पोस्ट होता है एसडीएम का, और आपका जो एक ड्रीम रहा है कि नहीं हमारे वर्दी वाली पोस्ट, तो अगले बार में हम कोशिश करेंगे कि आपको बिहार में ना मिलके संघ लोक सेवा आयोग में वर्दी वाली पोस्ट मिले, ऐसे हम काम करेंगे। और सर, जो दर्शक हैं उनको अगर आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में टिप्स के रूप में तो बता सकते हैं। दर्शक को मैं सर यही बोलूंगा कि जैसे कि मैंने भैया को कोई अच्छी सपोर्ट रिपोर्ट, तो उस समय मेरा काफी ड्रास्टिक फेस था। मुझे एक महीना समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या, मतलब कि एक तरह से लग रहा था कि लाइफ एक एंड होने जा रहा है। फिर जैसे कि सर आप लोगों से बात हुई, बहुत लोगों से भी बात हुई, घर में मम्मी थे पापा थे, तो सब कुछ, तो घर का लोग सब कुछ टूटा ही हुआ था, बाहर का लोग वही था। कुछ लोग डिमोटिवेट भी करते थे लेकिन कुछ लोग मोटिवेट भी करेंगे, तो हमको डिमोटिवेशन को अपने आप पे नहीं हावी होने देना है। जैसे आपने मेरा मोराल बूस्ट किया, मैंने एक दो और भी लोगों से जो भी फैमिली मेंबर से हैं वो भी बोलते थे कि ठीक है अब तो मान लो ये हो चुका है, ये रियलिटी है, तुमको इसको एक्सेप्ट करना होगा। पहले हमको लगता था कि ये क्या हो गया है, सब फिर से रिइंस्टेट हो जाएगा, फिर से शुरू से सब कुछ फिर से रिइंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन वो रियलिटी को मैंने एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट करने में मुझे 1 महीने लग गए। और फिर मैंने जून और जुलाई 2 महीने रिग्रेसली प्रैक्टिस किया आंसर राइटिंग, जो भी आपके चैनल के थ्रू और भी जो भी जहाँ से मुझे मिलता था मैं वहाँ से क्वेश्चन लेता था, वहाँ लिख के वहाँ क्वेश्चन दे देता था। ऐसा नहीं कि एक ही जगह स्टिक रहा हूँ, जिधर से अपॉर्चुनिटी मिले। अब बेसिकली अगर हम लोग गाँव से हैं तो आपको जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिले आप वहाँ से अपॉर्चुनिटी लीजिए। और अगर देखिए अब सबसे बड़ी बात यह क्या होती है कि अगर आप फ्री इनिशिएटिव दे रहे हैं तो कहीं भी एक जगह होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव तो प्रोवाइड होता नहीं है, उसमें आप क्या करिए कि कहीं से थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से हम इकट्ठा किए तो थोड़ा सा वहाँ से कर लिए, और बाकी आंसर राइटिंग जो है वो करिए। और सर का जैसा रिव्यू था ऑन कॉपी वो मेरा इंप्रूवमेंट किया GS1 और GS2 में। और मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था तो मैंने सोशोलॉजी को बाई एंड लार्ज 60 दिन में 60 दिन में कैसे कैसे बस उसको मतलब मैं पढ़ते जाता था उसका, ज़्यादा मैंने 2 से 3 ही टेस्ट लगाया होगा। और मेरा मतलब कि ऑप्शनल मेरे अनुसार जिससे जाना चाहिए था ऑप्शनल के तौर पे वैसा नहीं, तो मैं यही यहाँ एडवाइस दूंगा कि आप लोग ऑप्शनल पे भी इक्विवेलेंट फोकस करें। मेरा सोशियोलॉजी था ऑप्शनल, तो मैंने ऑप्शनल के लिए जैसे कि काफी जेनेरिक सा चैनल है, स्लीपी क्लास है, सब कुछ मालूम है, और उसमें क्या होता है कि सर देखने पे वीडियो सोने लगता है आदमी, तो वहाँ आपको जगना है क्योंकि आपको कुछ करना है। अगर आप वहाँ सोएंगे तो फिर हो सकता है कि हमको और जगह भी सोना पड़े। तो मेरा बस यही है कि बस और भी अब लगन से तैयारी करें, और मैं भी हूँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ कि अब मैं भी तैयारी में हूँ और आप लोग के जैसा स्टूडेंट हूँ मैं भी, हो सके कि 67th PT के सेंटर पे बहुत जगह हमको लोगों से मुलाकात भी हो जाए। तो ये हमेशा एक लाइफ स्टेज जो है हमेशा पर उनकी प्रोग्रेसिंग पूरी रहता है। कहानी से एक चीज तो, आप अगर नए स्टूडेंट हैं 67th या 68th के लिए तैयारी करने जा रहे हैं तो सीख सकते हैं कि डिजिटल क्रांति का उपयोग आप अपने सफलता में कर सकते हैं। और डिजिटल क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी वैल्यू एडेड कंटेंट प्रोवाइड होती है इससे। और आपके मन में अगर ये डर है कि मैं दिल्ली नहीं गया, पटना नहीं गया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इस तरह के ये स्टोरीज को सब सुनकर, इस तरीके के यथार्थ को सुनकर आपको ये कॉन्फिडेंस जरूर आना चाहिए आपके अंदर में कि बिना बड़े शहर में रहे हुए भी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है प्रॉपर कि आप जो रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं उसका गाइडेंस दिए। उसका सदुपयोग करें, आंसर राइटिंग करें, न्यूज़पेपर पढ़ें,
यानी कि जैसे कि साइंस का उपयोग परमाणु आपने पढ़ा होगा तो एनर्जी के लिए भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी, नागासाकी और हिरोशिमा में जैसे किया गया था उसके लिए भी किया जा सकता है। उसी तरीके से आप इंटरनेट का उपयोग टिकटॉक देखने के लिए भी कर सकते हैं और विकास दीपकीर्ति सर जैसे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं उनके लेक्चर्स देखने के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर आप सदुपयोग जी करेंगे सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, तो आपकी सफलता में इसका एक अहम भूमिका हो सकती है। इन्हीं जी बातों के सर, साथ हम आज इस इंटरव्यू को विराम देते हैं और आपको भविष्य में संघ लोक सेवा आयोग में आप सफल हों और बिहार का नाम रोशन करें, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।